टॉपिक है ईएमएफ इंड्यूस इन अ कंडक्टर मूविंग इन एनी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला शॉर्टकट ये याद करेंगे, केस नंबर वन, कि अगर आपके पास एक रॉड है, आप उसको परपेंडिकुलर वेलोसिटी के साथ खींच रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी 90 डिग्री पे है, तो इन दो एंड के क्रॉस ईएमएफ की वैल्यू जो जनरेट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, बीएलपी। कोई डाउट इसमें? सही है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। लेकिन कंडीशन क्या थी, बी एल और वी कितने एंगल पर होने चाहिए, 90। सही है। दूसरा केस, अगर मान लो आपकी रॉड को मैं कैसे खींचता हूँ, आपकी रॉड को मैं परपेंडिकुलर नहीं खींचता, मैं इसकी लेंथ के क्रॉस खींचता हूँ ऐसे, और ये रॉड बिल्कुल मोटी नहीं है, दिख मोटी रही है, ये एक थिन रॉड है, एक्चुअल में डायग्राम मुझे ऐसा बनाना चाहिए, थिन रॉड का बिल्कुल लाइन ऐसे ये बनाना चाहिए मुझे, ये तो चलो थोड़ी मोटी दिखा दी, है नहीं, है थिन रॉड्स हैं। तो वो कह रहा है कि इसमें कितनी ईएमएफ जनरेट होगी ये बताओ। तो शॉर्टकट याद रखो, फैराडे ने कहा था अगर आपकी रॉड लाइंस को परपेंडिकुलरली काटती जाती हैं, लाइंस को परपेंडिकुलरली कट करती हैं, तो ईएमएफ जनरेट होती है। लेकिन अगर आपकी रॉड इतनी पतली है कि लाइंस अंदर जा रही हैं और वो बीच में चुपके से निकल गई, एक भी लाइन नहीं कट की, चेक करो, देख लो बीच में से खिसक गई, लाइन कॉन्टैक्ट में ही नहीं है, तो इसमें बिल्कुल भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। लाइन को टच भी नहीं किया, देखो ना, आधी लाइन ऊपर से आधी नीचे से, बीच में से निकल गई, थिन रॉड है, पतली रॉड है, तो उसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, तो इसमें जीरो ईएमएफ जनरेट होगी। ये तो मेरी एक्सप्लेनेशन है थ्योरी की। तुमने ऐसे नहीं सोचना, तुमने एक शॉर्टकट लगाना है और ये कभी फेल नहीं होता। शॉर्टकट ये है, अगर तुम्हारी लेंथ और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, देखते ही बोल देना ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, बात ही खत्म। तुम्हारी लेंथ और वेलोसिटी हमेशा कितने एंगल पर होनी चाहिए, 90, पर यहाँ पर लेंथ और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो फिर ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, बात ही क्लोज है। तो याद रहेगा ये शॉर्टकट, लेंथ और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में, ईएमएफ जनरेटेड क्या होगी, जीरो। अब कोई कहता है कि चलो ये रॉड है और मैंने वेलोसिटी ये लगा दी राइट, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद एल। अब यहाँ पर ऐसे केस में तुम वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट लोगे, एक कॉम्पोनेंट थीटा के साथ वी कॉस थीटा और दूसरा कॉम्पोनेंट वी साइन थीटा, जो लेंथ के साथ कितने एंगल पर है, 90। तो वी साइन थीटा कॉम्पोनेंट एल के साथ 90 डिग्री पे है, तो ये तो ईएमएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, पर जो कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का लेंथ के साथ चला गया वो ईएमएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि वेलोसिटी और लेंथ एक लाइन में नहीं होने चाहिए। तो फिर ये तो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा नहीं, ये तो करेगा, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी एल वी, नहीं, कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का 90 डिग्री पे है, वी साइन थीटा, तो क्या बनेगा, बी एल वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा लेंथ के साथ सेम डायरेक्शन में, इसलिए। तो शॉर्टकट याद रहेगा कि अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी थीटा एंगल पे है, तो तुमने वेलोसिटी के क्या लेने हैं, दो कॉम्पोनेंट्स लेने हैं, जो कॉम्पोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, जो लेंथ के साथ जाएगा वो कंट्रीब्यूट ईएमएफ में नहीं करेगा, तो इसलिए बी एल और ये वेलोसिटी 90 डिग्री पे है, तो बी एल इंटू वी साइन थीटा इज द आंसर। तो ये शॉर्टकट भी क्लियर है। नेक्स्ट शॉर्टकट है कि अगर आपके पास रॉड सीधी है ही नहीं, रॉड ही टेढ़ी मेढ़ी है ये रही, और इसको मैं खींच रहा हूं, अब मोशनल ईएमएफ क्या होगी, तो याद रखना बी एल वी में एल स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो तुम्हारी ये लेंथ कितनी भी हो तुमने डिस्प्लेसमेंट लेनी है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, दो एंड पॉइंट को ज्वाइन करोगे, चाहे मन में ज्वाइन करोगे, एक्चुअल में कुछ नहीं है, तो तुम इसे मन में ज्वाइन कर लो ए बी। अब तुम अगर इसे खींचोगे तो ये लेंथ हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी, और बी भी 90 डिग्री पे है, तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, बी एल वी और लेंथ क्या लेंगे, ये स्ट्रेट लेंगे आंसर। तो तुम ये नहीं देखोगे कितनी लंबी है, तुम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखोगे, एल आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो ये शॉर्टकट भी क्लियर। लेकिन अगर कोई कहता है मेरी रॉड भी टेढ़ी है और मैं मूव भी टेढ़ा करवा रहा हूं, तो कोई बात नहीं, रॉड अगर टेढ़ी है तो रूल नंबर वन, तुम डिस्प्लेसमेंट लो एल, तो तुम इसकी शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट लो एल, और वेलोसिटी वेक्टर ने एंगल थीटा बनाया, तो आप वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट बनाओ, एक
इस एल के साथ वी कॉस थीटा और एक परपेंडिकुलर वी साइन थीटा. वी कॉस थीटा एल के साथ है, ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा ईएमएफ में, पर वी साइन थीटा करेगा. तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी एल वी साइन थीटा. तो शॉर्टकट समझ में आ रहे हैं कि अलग अलग केस में कैसे बी एल वी लगेगा, कोई डाउट इसमें? तो ये इसके शॉर्टकट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जिससे कि आपका आंसर आएगा. राइट, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? इसको लगाना कैसे है, आज का लेक्चर इसमें डील करता है.